दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं गूगल एडसेंस अकाउंट कैसे बनाएं। उससे पहले मैं ये बात कर लेता हूं गूगल एडसेंस अकाउंट बनाने की नीड कब पड़ती है, यानी जरूरत कब पड़ती है। जरूरत तब पड़ती है यानी कि आपको अगर यूट्यूब से पैसा कमाना है या फिर वेबसाइट से पैसा कमाना है तो आप डायरेक्टली नहीं कमा सकते, क्योंकि आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट को ना तो यूट्यूब से कनेक्ट कर सकते हैं ना तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आप गूगल एडसेंस अकाउंट बनाएंगे और गूगल एडसेंस अकाउंट को यूट्यूब से कनेक्ट करेंगे। यूट्यूब से जब कनेक्ट कर लेंगे गूगल एडसेंस अकाउंट, इसके बाद एडसेंस में अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, उसके बाद ही पैसा पा सकते हैं। इसी तरीके से वेबसाइट का भी प्रोसेस है। इसी दो प्रोसेस के लिए यानी दो तरीके से अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल और अच्छा खासा आपको गूगल एडसेंस अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे न्यू अपडेट आने के बाद किस तरीके से मोबाइल फोन के जरिए आप एक अच्छा खासा गूगल एडसेंस अकाउंट बनाकर यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं और वेबसाइट से, दोनों तरीके आपको बताने वाले हैं। तो चलिए किस तरीके से प्रोफेशनल आपको गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं और उसके बीच में कौन कौन सी जरूरत पड़ेगी उसके बारे में भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक देखिए, कहीं भी स्पीक करेंगे तो आपको सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो यहां पर मोबाइल स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस शेयर करेंगे। तो सिंपली अगर आपको गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना है तो गूगल ओपन कर लीजिए या फिर गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। इसके बाद यहां पर आप टाइप करिए गूगल एडसेंस, ठीक है। यहाँ पर जैसे गूगल एडसेंस आप टाइप करेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पर एक आ जाएगा आपको वेबसाइट https://adsense.google.com, यही आपका जेन्युइन वेबसाइट है, ठीक है, एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए। तो सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे इसके बाद ध्यान समझिएगा क्या क्या चीज़ें, आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें समझिएगा, ठीक है। गूगल एडसेंस यहाँ पर लिख जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आप सभी को दिख जाएगा वी वैल्यू योर कंटेंट, यहाँ पर कुछ इस तरीके से गेट स्टार्टेड का बटन दिख जाएगा, ठीक है। तो सिंपली गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद जितनी भी जीमेल आईडी रहेगी, जिस जीमेल आईडी से आपको एडसेंस क्रिएट करना है, सारी जीमेल आईडी सो हो जाएगी। अब आपको कई लोग क्वेश्चन करेंगे क्या उसी जीमेल आईडी से बना ले जो जिस जीमेल आईडी से मेरा चैनल है उससे बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी? तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, अगर आप अलग से बनाएंगे तो आपका ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि आपको अलग से एक जीमेल आईडी पहले से क्रिएट कर लेंगे तो जीमेल आईडी सो हो जाएगी। जैसे कि मैंने पहले से क्रिएट किया है, ये जीमेल आईडी सो रही थी, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। इसी से मुझे बनाना है तो इस पर क्लिक कर दूंगा, नहीं तो यूज अदर भी अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है उस पर मैं क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। तो वहां से एक न्यू जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे इसी से बनाना है तो सिंपली यहां पर उसी पे मैं क्लिक कर दूंगा। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप समझिए, यहां पर गूगल एडसेंस आ जाएगा, लिस्ट गो स्टार्टेड। इसके बाद ये बॉक्स जो है ये उन लोगों के लिए है जिसके पास वेबसाइट है, उनका वेबसाइट का यूआरएल यहां पर डालना होता है क्योंकि उसे कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो इसके बाद यहां पर देखिए, अगर मेरे पास वेबसाइट नहीं है तो मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पर आई डू नॉट हैव ए साइट पे, अगर आप जो है वेबसाइट के लिए बना रहे हैं तो वेबसाइट के यहाँ पर लिंक डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए ध्यान से गेट अबाउट एडसेंस, यहाँ पर लिखा हो ना ऑफ एडसेंस, तो आपको एडसेंस के बारे में कोई भी नॉलेज या फिर कोई भी क्वेरी हो या फिर कुछ भी हो रहा है तो उसके बारे में आपको जो है सजेशन मिल जाएगी और जो है गूगल क्रोम गूगल के ईमेल पे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, यस पे कर देना है। इसके बाद योर पेमेंट कंट्री, तो यहाँ पर इस पे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट कंट्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको दिखा दें कैसे सेलेक्ट करना है उसके बारे में बता देते हैं। यहाँ एरो पे क्लिक करना है इस कॉर्नर में, इसके बाद सिंपली यहाँ पर इंडिया को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया भी आपको दिख जाएगा नीचे की तरफ, जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इंडिया आ गया। इंडिया को जैसे ही सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर योर टर्म एंड कंडीशन आपको रीड कर लेना है, रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर देखिए योर टर्म एंड कंडीशन, यानी कि जो भी गूगल का या फिर गूगल एडसेंस का टर्म एंड कंडीशन होता है, कितना परसेंट रखेगा, कितनी अर्निंग होगी, इस तरीके की सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। एग्रीमेंट कर लीजिए टर्म एंड कंडीशन, यानी एग्रीमेंट आपको। इसके बाद यहाँ पर आई हैव रीड एक्सेप्टेड एग्रीमेंट, इसके बाद यहाँ पर देखिए लिख कर आ जाएगा स्टार्ट यूजिंग एडसेंस, तो सिंपली यहाँ पर एडसेंस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद 50% आपका वर्क हो गया, 50% और बाकी है। 50% पे आपको जो है पेमेंट डिटेल डालनी होगी, इसके बाद आप और चीज़ें यहाँ पर चेक कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पेमेंट डिटेल में क्या क्या चीज़ें भरनी होगी, ये देखिए अभी येलो शो हो रहा है, ठीक है, ये और येलो हो रहा है तो इसे ग्रीन करना है। ग्रीन कैसे करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे इंटर इन्फॉर्मेशन पे, चलिए क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद देखिए क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ें समझिएगा, अगर कहीं भी वीडियो स्पीक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा कस्टमर इन्फॉर्मेशन, यानी किसको पेमेंट लेना है, कौन सा कस्टमर है उसे कार्ड डाल देना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप यहाँ पर इंडिविजुअल ही रहने देंगे, ना कि आप यहाँ पर बिजनेस करेंगे, क्योंकि आप
सिंगल के लिए आप बना रहे हैं, ठीक है। सिंगल के लिए मतलब समझे कि आप एक ही चैनल के बना रहे हैं, मल्टीपल चैनल के लिए आप एडसेंस बनाएंगे तो उसमें आपको लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना जेन्युइन नेम डाल देता हूँ, जो भी आपका पैन कार्ड पे नेम हो उसे डाल देना है। इसके बाद लाइन वन में एड्रेस डाल देना है, जो भी पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड में हो आपके विलेज का एड्रेस, ठीक है। तो विलेज का एड्रेस डाल देना है। लाइन टू में आपको जो है आपका पोस्ट का एड्रेस डाल देना है, यानी जो भी आपका पोस्ट है उसका एड्रेस डाल देना है। सिटी आपके आसपास जो भी मार्केट हो, सिटी हो जहाँ पर आप मार्केट करने जाते हैं उसको डाल देना है। इसके बाद पोस्टल कोड, यानी आपका जो भी पोस्टल कोड हो तो यहाँ पर डाल देना है। स्टेट आप अपना उत्तर प्रदेश, जो भी आसाम हो, जो भी हो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करके यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश आ गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश आने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करना है। मोबाइल नंबर आपका ऑप्शनल है, लेकिन आगे चल के अगर आप मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे तो आपको OTP चल के यहाँ पर सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर एक OTP की नीड होगी। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, इसके बाद कस्टमर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख कर आ जाता है कि एडसेंस नीडेड वेरीफाई, यानी कि आपको अपने फ़ोन नंबर को यहाँ से वेरीफाई ही करना होगा। इसलिए यहाँ पर आपको अपने फ़ोन नंबर को टाइप ही करना होगा, ठीक है। फ़ोन नंबर पर क्लिक करके इस बार टेक्स्ट वाले क्लिक करके ऑप्शन पर इस बार सेंड पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेंड पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर आपको इनवैलिड फ़ोन नंबर आ रहा है, तो फिर से अपने फ़ोन नंबर को यहाँ पर डाल देना है अगर इनवैलिड आ रहा है तो चेक करके। और कई लोग ये पूछेंगे जो फ़ोन नंबर डाल रहे हैं आगे चल के काम आएगा या फिर उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ वेरीफाई करने के लिए डाल रहे हैं। तो ये कोड आ चुका है, सिंपली इस कोड को यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। चलिए इस कोड को यहाँ पर मैंने कॉपी किया, इसके बाद अगर यहाँ से पेस्ट नहीं हो रहा तो यहाँ पर देख कर यहाँ पर एक एक डाल देते हैं। 6825 77, तो सिंपली 6825 77 डालने के बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सबमिट पे जैसे ही मैं क्लिक कर देता हूँ, इसके बाद यहाँ पर देखिए पेमेंट इन्फो जो भी है आपका यहाँ पर देखिए ग्रीन हो जाएगा, वी आर गॉटेड योर इन्फॉर्मेशन, यानी यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर और सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जहाँ पर गूगल एडसेंस लिखा है, 3 डॉट पे क्लिक करके पेमेंट वाली डिटेल ले सकते हैं। पेमेंट इन्फो में जाकर सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको बता दें किस तरीके से होंगी। अब आपका ये एडसेंस बन चुका है, अपने आप जैसे ही आप अपने यूट्यूब चैनल पर या फिर वेबसाइट पर जो इसे लिंक करते हैं, जब भी $10 कंप्लीट हो जाता है तब जाकर आपका जो है यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे ही आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा $10 कंप्लीट होने के बाद, यानी आपका पैन कार्ड मांगेगा, पैन कार्ड जैसे ही मांगेगा उससे क्या होता है कि आपको वेरीफाई करता है कि कौन पर्सन अर्निंग लेने वाला है उस चीज़ को। इसके बाद आपका जैसे ही पैन कार्ड मांग लेगा, इसके बाद आपको एड्रेस वेरीफिकेशन होगा, यानी कि किस एड्रेस से पैसा ले रहे हैं उस चीज़ के लिए आपको पिन कोड भेजा जाता है, 6 डिजिट का कोड आपके पोस्ट ऑफिस में आता है। उसके ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया आइडेंटिटी वेरीफिकेशन और पिन कोड के बारे में भी बनाया, ठीक है। जैसे पिन कोड आ जाएगा इसके बाद अपने बैंक अकाउंट को डालकर पैसे ले सकते हैं गूगल एडसेंस के थ्रू। कुछ इसी तरीके से आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को बना सकते हैं कुछ ही मिनटों के अंदर। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताइएगा, और कोई भी क्वेरी हो गूगल एडसेंस रिलेटेड या फिर गूगल या फिर यूट्यूब रिलेटेड तो मैं उससे डायरेक्टली इंस्टाग्राम से बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।